हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट सब्जेक्ट का टॉपिक प्लानिंग है क्योंकि बहुत टाइम से मैनेजमेंट जो एक प्लेलिस्ट है वो हमारी अपडेट नहीं हुई थी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी चल रहा था तो मैनेजमेंट पर वही जो आप अगर प्ले पर विजिट करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर मैनेजमेंट का बेसिक वीडियोज कुछ पड़े हुए हैं ऑन द वेरी बेसिक टर्म्स तो अब हम प्लानिंग के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि प्लानिंग क्या है इसके आगे के कुछ इनिशियल स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म कि प्लानिंग होता क्या है देखिए प्लानिंग शब्द जो बना है वो प्लान से बना है प्लान बनाना एंड प्लान बनाना पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्लान बनाते हैं हम प्रेजेंट में और बनाते किसके लिए हैं फ्यूचर के लिए ठीक है फ्यूचर के लिए तो हम प्लान बनाते हैं हमेशा कि बर्थडे प्लान करा है या ट्रिप प्लान करी है तो प्लान इज ऑलवेज अ फ्यूचर एक्टिविटी लेकिन उसका जो प्लानिंग जो चलती है वो प्रेजेंट में चलती है तो प्लानिंग इज इन अ वेरी वेरी नॉर्मल एंड इन अ वेरी लेमैन लैंग्वेज जो होता है बेसिकली वही चलेगा कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस कि आप एडवांस में फ्यूचर की एक्टिविटी को अभी प्रेजेंट में डिसाइड कर लो कि क्या करना है एंड कैसे करना है ऑल राइट right, अगर ट्रिप भी प्लान करते हैं तो क्या डिसाइड करेंगे कि भाई अगले महीने उत्तराखंड जाना है क्या क्या करेंगे वहां पर जाकर एंड कैसे जाएंगे ये सारी बातें डिस्कस करते हैं अब यही सेम कन्सेप्ट आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे लगा लीजिए कि आपको कुछ प्लान करना है कि आप कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करने वाले हैं या कोई नई आप टेक्नोलॉजी खरीदने वाले हैं तो आप उसके बारे में क्या प्लान करेंगे कि हम ये टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं कहाँ से खरीद रहे हैं कैसे आएगी कितने पैसे लगेंगे वो सारा का सारा जो आप प्लान बनाते हैं दैट इज नोन एज प्लानिंग क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो ये सारे शब्द आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन प्लानिंग एंड प्लान बनाना इज वेरी सिंपल जो हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजर फंक्शन ये मैनेजमेंट का बहुत बेसिक फंक्शन है इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी क्योंकि जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट man, के जो फंक्शन है तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन आता है इट इज प्लानिंग फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग फिर आता है स्टाफिंग देन कम्स डायरेक्टिंग फिर आता है कंट्रोलिंग तो सबसे पहला फंक्शन अगर कोई है वो है प्लानिंग जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे तब तक कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा कुछ स्टाफिंग नहीं हो पाएगी कुछ डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे एंड कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहला फंक्शन ही है प्लानिंग एंड इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इनोवेशन क्रिएटिविटी मतलब प्लान बनाने वाला कितना इनोवेटिव है उसका दिमाग कितना अच्छा चल रहा है ये डिपेंड करता है इसमें आप कुछ अपना रटा रटाया ज्ञान कुछ भी काम नहीं आएगा क्योंकि ये सबसे बेसिक फंक्शन है एंड इट थर्ली डिपेंड्स ऑन द ब्रेन कि आप किस तरह की प्लानिंग करते हैं बर्थडे प्लान कुछ लोग बहुत औसम करते हैं एंड कुछ बहुत सिंपल करते हैं तो आप कितना क्रिएटिव हैं और आप कितनी क्रिएटिविटी के साथ प्लानिंग कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट प्लानिंग सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वे वी आर एंड वी वट टू गो प्लानिंग एक तरह का ब्रिज है कि हम अभी कहाँ पे हैं प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमको इस पोजिशन पर पहुंचना है तो इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आप जो भी ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि आप कैसे पहुंचेंगे दैट इज प्लानिंग अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे छह महीने बाद मुझे ये एग्जाम निकालना है तो अभी से लेके छ महीने तक आपकी जो भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चलेगी वो प्लानिंग हो रही है और वो प्लान आपका पूरा गैप जो बना हुआ है वो ब्रिज करता है प्लानिंग इज वॉट मैनेजर्स डू इट ऑलर लेवल हर एक लेवल पर चलती है चाहे टॉप लेवल हो चाहे मिडल लेवल हो चाहे बॉटम लेवल हो हर लेवल पर प्लान

हम ट्रेन से भी जा सकते हैं एंड बस से भी जा सकते हैं तो प्लान बना रहे हैं उत्तराखंड जाने का और वहां के लिए हम ये सोच रहे हैं कि तीनों ऑप्शन से कौन सा बेस्ट ले तो हमने सोचा कि चलो ट्रेन से चलते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन हमने चूज कर लिया इन द सेम वे प्लानिंग में भी आप यही करते हैं कि अगर आपको कुछ प्लान करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आपके पास तीन चार ऑप्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव उसमें से बेस्ट छाटना बेसिक काम ऑफ प्लानिंग आप इन सारे में से बेस्ट कैसे छांट सकते हैं प्लानिंग इज हैज अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मतलब कि प्लानिंग का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है आपको उस टाइम के अंदर अंदर प्लानिंग करनी है क्योंकि वो फ्यूचर एक्टिविटी और वो फ्यूचर कभी भी आ जाएगा अगर आप प्लानिंग करें एग्जाम के लिए तो एक ना एक दिन तो वो एग्जाम आएगा ही ना तो जिंदगी भर की कोई प्लानिंग नहीं होती वो सिर्फ टाइम फ्रेम काम चलता है देन कम्स फीचर्स ऑफ प्लानिंग प्लानिंग के कौन कौन से बहुत खास फीचर्स हैं पहला तो फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में कोई ना कोई एक गोल कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए हम प्लान करते हैं और उसे ही अचीव करने के लिए हम काम करते रहते हैं तो फोकस हमेशा प्लानिंग का रहता है क्या कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करो नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परिवर्वेसिव शब्द का मतलब है यूनिवर्सल ये हर जगह पाया जाता है पहले तो आपने अभी पहले वाली स्लाइड में आपने देखा कि इट इज It, uh, हर एक लेवल पर चाहे टॉप मैनेजमेंट हो चाहे मिडिल मैनेजमेंट हो चाहे लोअर मैनेजमेंट हो सारे मैनेजमेंट में प्लानिंग चल रही है लेकिन इसके अलावा आप देखिए आपकी लाइफ में भी प्लानिंग चल रही है आपके स्कूल में आपके कॉलेज में आपके घर में बजट की प्लानिंग हर तरह की प्लानिंग चलती है हर जगह चाहे वो कोई भी स्कूल हो हॉस्पिटल हो कुछ भी हो प्लानिंग या प्लान बनाना इज एवरी एवरीवेयर और ये हर जगह होता है थर्ड पॉइंट इज प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपका जो प्राइमरी इन द सेंस की आप जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो मैंने अभी आपको पहली वाली स्लाइड में बताया कि सबसे पहले प्लानिंग होता है देन ऑर्गेनाइजिंग होता है उसके बाद आपका स्टाफिंग आता है उसके बाद आपका डायरेक्टिंग आता है उसके बाद आपका कंट्रोलिंग आता है प्लानिंग इज प्राइमरी मतलब सबसे पहला फंक्शन कौन सा है इट इज प्लानिंग प्लानिंग जब तक नहीं करोगे तब तक आप ना ऑर्गेनाइज कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ना आप स्टाफ रख पाएंगे ना उन्हें डायरेक्शन दे पाएंगे और कुछ कंट्रोलिंग तो होगी ही नहीं क्योंकि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरलिंक्ड ये दोनों प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में इंटरलिंक है तो जब तक प्लानिंग नहीं तब तक कोई भी फंक्शन नहीं सबसे पहला फंक्शन इज प्लानिंग इसको करने के बाद ही आप बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाओगे देन थर्ड वन वन सॉरी फोर्थ इज प्लानिंग इज प्लानिंग या प्लान बनाना देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूस होता है एक बार अगर आपने प्लान बना लिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि अब आप दोबारा प्लान नहीं बनाएंगे वो एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए आप नई नई चीजें करेंगे और उन नई नई चीजों को करने के लिए आपको प्लान बनाना इज मैंडेटरी थर्ड वन इज फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर एक्टिविटी है कि हम सबको पता है कि अभी अगर जो प्लान बना रहे हैं वो प्रेजेंट के लिए नहीं होगा प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए ही बनता है अभी आप बैठकर सोचो कि कल हम ये ये चीजें पढ़ेंगे तो वो कल अभी आया नहीं है इट इज अ फ्यूचर एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक थर्ड वन इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज मतलब देखिए प्लान बनाना फिजिकल से ज्यादा मेंटल एक्सरसाइज है आप दिमाग में कितना अच्छा ब्लू बना रहे हैं दैट इज ऑल दैट मैटर्स अगर आप सोच रहे हैं कि छह महीने बाद मेरा एग्जाम है तो उसकी स्ट्रैटी कैसे बना रहे हैं आप किस तरह से अपने डे को डिवाइड कर रहे हैं हाउ यू आर चॉकिंग आउट द प्लान्स वो सारी बातें एक अच्छे ब्रेन को बताती हैं कि किसी ने कितनी अच्छी तरह से प्लानिंग करी हुई अपने एग्जाम को क्रैक करने की वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आपने कुछ खास प्लानिंग नहीं करी कोई सब्जेक्ट उठा लेते हैं फिर उसके बाद कोई और सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं इट शोज कि आपका मेंटल जो आपने मेंटली जो दिमाग में जो सोचा है वो प्लान भी उतना कुछ खास है नहीं तो प्लानिंग दिमाग से होती है दिमाग से हम करते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग मतलब इसमें हम डिसीजंस भी लेते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई नई टेक्नोलॉजी अगर लाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ से खरीदी जाएगी कितने रुपए में खरीदी जाएगी क्या हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं और उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं वो सारी बातें डिसाइड करने की होती है एंड दैट इज नोन एज प्लानिंग डिसीजन मेकिंग देन कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग कुछ खास बातें कि वो क्या उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबसे पहला प्लानिंग इन प्रोवाइड डायरेक्शन देखिए अगर कोई प्लान नहीं बनाएंगे तो आपको कोई भी डायरेक्शन नहीं मिलेगा अपने इस फ्यूचर के पोजीशन तक पहुंचने के लिए ठीक है यहाँ से अगर आपको यहाँ पे पहुँचना है तो उसके लिए इस रास्ते पर आप कैसे चलेंगे वो होता है प्लान बनाना उसको हम डायरेक्शन कहते हैं अगर आपको यहां से वहां तक जाना है तो आप कौन सा रूट पकड़ने वाले हैं कैसे जाएंगे कैसे प्लान बनाया है वो आपको डायरेक्शन देगा कोई एग्जाम निकालना है तो आप छह महीने तक कैसे कैसे अपना दिन स्पेंड करने वाले हैं वो आपको वहां तक पहुंचाएगा एक रास्ता दिखाएगा प्लान बनाना सेकेंड वन इज प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टनिटी ऑफ रिस्क प्लानिंग आपका रिस्क को अनसर्टनिटी जो रिस्क है उसको थोड़ा सा कम कर देता है अगर हमें पता है कि हम यहाँ से ट्रैक पे जा रहे हैं सपोज ट्रैक का एग्जाम्पल लेती हूँ क्योंकि अभी होके आए थे लास्ट मंथ तो वही उसका भी पूरा बूथ चढ़ा हुआ है ट्रैकिंग का अगर ट्रैक का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें यहाँ से यहाँ तक एक स्टीप माउंटेन पर ट्रैकिंग करनी है सपोज फॉर एग्जाम्पल तो अब आपको ये पता है कि वहाँ जाने से रास्ते में आपको रेन कोट चाहिए होगा वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं पानी की कमी है वहाँ पर इन सेंस कि आप बॉटल्स वगैरह लेकर नहीं जा सकते इसके अलावा वहाँ पर आपको ठंड लग सकती है और वहाँ पर आपको कुछ एनर्जी के लिए कुछ चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको पता है अगर आप वहाँ पर अनप्रपेयर चले गए तो आप सारे रिस्क आप जो भी रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज रिस्क ऑफ रेनफॉल पानी मिलने की प्रॉब्लम कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम वो सारी आपको हो जाएंगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस ट्रैक पर ट्रैकिंग करना लेकिन अगर आप प्लानिंग से गए हैं आप रेनकोट भी लेके गए हैं आप अपना बीनी भी लेके गए हैं ग्लव्स भी लेके गए हैं इसके अलावा पानी की बॉटल्स खाली खाली लेके गए कि जहाँ भी आपको पानी मिलेगा भर लेंगे एनर्जी के लिए हैविंग चॉकलेट्स तो सारी चीज़ें आप लेकर गए मतलब आप प्लान करके गए हैं प्रिपेयर होके गए हैं तो आपका वो वाला रिस्क जो आपको वहां पर जाकर ज्यादा मिलता अगर आप जाते और अगर आप प्रिपेयर गए हैं तो वो कम हो गया तो प्लानिंग आपके उस रिस्क को कम कर सकता है तो एलिमिनेट नहीं कर सकता आप वहां पर जाकर बारिश को रोक नहीं सकते लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होकर जा सकते हैं बाय टेकिंग योर रेनकोट विद यू ठीक है तो इन द सेम वे प्लानिंग जो भी कर रहे हैं हम उस रिस्क को बिजनेस में अपने जो भी हमारा रिस्क आने वाला है उसको खत्म नहीं किया जा सकता एलिमिनेट नहीं कर सकते बट उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हैं थर्ड वन इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेशन क्योंकि फर्स्ट में आपने पढ़ा था कि प्लानिंग एक तरह की क्रिएशन और क्रिएटिविटी और इनोवेशन का काम है कि कौन कितने अच्छी तरह से प्लानिंग कर रहा है अगर कोई बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग कर रहा है तो वो इनोवेटिव इंसान है उसका क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव माइंड है तो जितना ज्यादा क्रिएटिव उतनी अच्छी आपकी प्लानिंग उतना अच्छा इनोवेशन थर्ड वन सॉरी फोर्थ वन इज प्लानिंग डिसीजन मेकिंग ये तो आपको पता है कि प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिसाइड तो करना पड़ेगा फर्स्ट लाइन आपने अभी स्लाइड में पढ़ी थी कि डिसाइडिंग इन एडवांस कि पहले से ही डिसाइड कर लेना कि हमको लाइफ में क्या करना है हमको अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में इस टास्क को अचीव करने के लिए क्या करना है कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज देयर प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज मतलब प्लानिंग अगर आप किसी एक एक सही दशा में जा रहे हैं प्लान बना के उस केस में अगर आपका कोई काम जो दो तरह से हो सकता है या फिर ओवरलैप कर रहा है ये चीज दोबारा भी हो, हो चुकी है दोबारा हो रही है या फिर डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है ये रिड्यूस हो जाता है क्योंकि हम एक बार अगर अपने द्वारा बनाए गए उस प्लान को ही अगर फॉलो करेंगे कि अभी मुझे ये पढ़ना है फिर मुझे जोग्रफी पढ़ना है फिर मुझे हिस्ट्री पढ़ना है फिर मुझे ये पढ़ना है फिर मुझे वो पढ़ना दैट्स इट अगर सिर्फ इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप एकदम फायदे में रहेंगे लेकिन इसी के बीच अगर आप अपना कोई और रैंडम सा कुछ उठा लिया फिर उसको भी पढ़ने लग गए तो फिर यहाँ पर हो जाएगा क्लैश विच इज ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल ना आप इधर के रह पाएंगे ना उधर के रह पाएंगे लास्ट वन इज प्लानिंग एस्टाब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग क्योंकि देखिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं ये कैसे होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अगर आप जो भी प्लान बना रहे हैं कंट्रोलिंग ये देखती है कि जो प्लान बनाया था एग्जैक्टली exactly वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है अगर आपने प्लान बनाया था कि मैं एट्टी परसेंट लाऊंगा तो जब रिजल्ट आता है तो क्या एट्टी परसेंट एग्जैक्ट आया है कि नहीं अगर नहीं आ रहा है तो आपको और मेहनत की जरूरत थी अगर आ रहा है देन इट्स तो ओके आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी तो प्लानिंग स्टैब्लिश करती है स्टैंडर्ड अगर आप अभी सोच रहे हैं कि मुझे एक, रैंक वन लानी है तो आपकी प्लानिंग आपका स्टैंडर्ड बता रही है और आपका एग्जैक्ट जो आपकी रैंक आ रही है वो ये बताएगी कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी या आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी देन कम सम ऑफ द ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग में क्या क्या कुछ खामियां हैं पहली इज लीड्स टू रिजिडिटी मतलब हम रिजिड हो जाते हैं अगर हमने प्लान बनाया कि भाई अपने को इस महीना ऐसे ही वर्क करना है कि यहां तक पहुंच सके तो रिजिड प्लान है आप उसको मोल्ड नहीं कर सकते मोल्ड करेंगे तो फिर आपका प्लान पूरा सक्सेसफुल नहीं होगा इस वजह से इसको बोला गया है कि रिजिडिटी की तरफ हमें लेके जाता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी मतलब अगेन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं वही प्लान बनाते हैं और उन्हीं के ब्रेन से बने हुए प्लान हम सारे फॉलो करेंगे लेकिन कहीं कुछ एम्प्लॉज भी होते हैं जिनका दिमाग बहुत शार्प होता है और वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ सकते हैं

पूरा जो भी ब्लू बनता है उसमें काफी खर्च होता है पैसे खर्च होते हैं दैट इज बोल रहे हैं कि ह्यूज कॉस्ट प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्लान बनाना तो टाइम तो लगेगा ही क्योंकि वो एक फ्यूचर एक्टिविटी है आप उसका प्लान कर रहे हैं कि आप कैसे चीजों को अचीव करेंगे फ्यूचर में तो टाइम जितना स्पेंड करेंगे उतना लंबा समय लगेगा प्लान बनाने में दैट इज वाय उसको बोलते हैं टाइम कंज्यूमिंग देन कम्स प्लानिंग प्लानिंग नॉट गारंटी सक्सेस मतलब कर लेने से ये हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं हो जाता कि आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी वो सिर्फ आपके काम को एक दिशा देता है आपके काम को एक डायरेक्शन देता है इसके अलावा आप थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल पाते हैं जिसकी वजह से जो रिस्क है वो हम कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं प्लानिंग से सक्सेस मिलेगी इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर लास्ट वन इज प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट प्लानिंग डायनामिक एनवायरमेंट में काम नहीं करता है कभी कभी जैसे कि आप इस सोसाइटी में आपका बिजनेस चल रहा है यहाँ पर आप रह रहे हैं आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन सोचा कि इस बार मेरा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा टेन परसेंट लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट पे लगेगा टैक्स दस परसेंट अब एक्स्ट्रा जितना पहले लगता था अब दस परसेंट हो गया है तो अब आपको इस दस परसेंट में से गवर्नमेंट को भी उसका शेयर देना पड़ेगा टेन जो है जो भी जितना भी आपका फायदा हो रहा है आप गवर्नमेंट को कितना दोगे आप टेन परसेंट टैक्स दोगे तो मतलब आपने अपने हिसाब से जो प्लानिंग करी थी कि इस बार मैं रखूंगा लेकिन अब वो किसको चला जाएगा गवर्नमेंट को तो प्लानिंग जो भी हो रही है लेकिन डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब डायनामिक मतलब वो जो चेंज होता रहे तो गवर्नमेंट के रूल्स गवर्नमेंट के पॉलिसीज तो सारे डायनामिक होते हैं चेंज होते रहते हैं तो दैट इज वाई इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट श्योर कि आप जो भी प्लान बना रहे हैं वो बिल्कुल दैन एंड दार जैसा का तैसा इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्योंकि हम जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर एक बिजनेस इन्वायरमेंट है वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं लीगल फैक्टर्स भी हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं वो सारे डायनामिक हैं सारे चेंज होते हैं और उनके चेंज होने की वजह से पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट तो इसलिए प्लानिंग कभी कभी आपकी डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं कर पाती ऑल राइट सो दिस इज इट फॉर टुडे आई होप आपको प्लानिंग का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जिसमें हमने मीनिंग पढ़ी है फीचर्स पढ़े है, हैं इंपॉर्टेंस पढ़े हैं और कुछ लिमिटेशन पढ़े हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज यूज द कमेंट बॉक्स फॉर योर क्वेरीज एंड योर फ्रेंडली फ्रेंडली सजेशन यू आर मोस्ट वेलकम इसके अलावा आप स्टे विद द चैनल के साथ साथ बहुत सारे और वीडियोज आर लाइंड अप सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन एंड वी गोट बेस यू ऑल